फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया गुप्ता और आज आपके साथ यहां पे लेके आई हूं पॉलीनोमियल्स का क्लास 9 का आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशंस। ओके, अभी तक हम यहां पे नंबर सिस्टम के चैप्टर्स को भी अपलोड कर रहे हैं साथ साथ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको नंबर सिस्टम के भी लाइन से क्वेश्चन दिख जाएंगे एंड पॉलीनोमियल्स को हम लेके साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आइए इसे प्रोसीड करते हैं। यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डीपली मिलेगा एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशंस के पीडीएफ भी अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, और ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। येस, ओके, दिस इज अबाउट मी एंड दिस यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अभी तक अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस ना देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एग्जैक्टली देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहे हैं, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल Px is equal to x square minus 3x plus 2। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो आपको गिवन है पहले मैं लिख लेते हैं, आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है और आपको यहाँ पे पॉलीनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर है, देन माइनस 3x है एंड प्लस 2 है। आपको ये बताना है कि जो 1 है और 2 है वो इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो देखिए जीरोज होने का सेंस क्या हुआ कि जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमें Px 0 मिल जाना चाहिए और जब हम 2 रखेंगे तब भी हमें 0 मिल जाना चाहिए। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1, पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, देखिए p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 2। यहाँ मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, तो इस हिसाब से हमें यहाँ वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, माइनस 2 प्लस 2 और हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 0। जैसे ही हमें 0 मिली तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि येस, ये आपका 0 हो जाएगा पॉलीनोमियल का। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2 के भी लिए। तो देखिए जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ लिखेंगे देखिए 2 का स्क्वायर फिर माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 2। तो हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा माइनस 2, यहाँ मिलेगा प्लस 2, कट होके हमें क्या मिल जाएगा कि 0। देखिए आपको दोनों किस में 0 मिल रहा है, जब मैंने x इक्वल टू 1 रखा और जब मैंने x इक्वल टू 2 रखा। सो I can say that 1 and 2 are the zeros of, ठीक है, ये आपका zeros है of Px, ना जो आपका Px question में given है। क्यों है, आप चाहे यहाँ पे reason mention कर सकते हो, since P of 1 and P of 2, okay, both are equal to 0। ठीक है, क्योंकि जब आपने p ऑफ 1 और p ऑफ 2 रखा दोनों को तो दोनों के केस में आपको क्या मिल रहा है, इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड हैंस वी कैन से दैट वेरीफाई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं 2 और माइनस 3 आपको दिखाना है जीरोज होंगे ऑफ द क्यूएक्स और आपको क्यूएक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 6। तो आइए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड दिस विल बी व्हाट, क्यू एक्स। ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये आपका क्यू एक्स है और ये आपका यहाँ पे सेकेंड पार्ट हो गया। तो अब समझिएगा वैल्यू क्या है, आपको 2 और माइनस 3 के लिए दिखाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2, जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 6। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 माइनस 6 और नेक्स्ट स्टेप पे मुझे यहाँ मिल जाएगा 4 टू कितना जाता है आपका 6 माइनस 6, कट गया, हमें यहाँ वैल्यू कितनी मिल गई 0। इसका मतलब देखिए x को भी 2 रखने पे मुझे 0 मिला। अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ एट x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए, तो माइनस 3 के लिए चेक करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, q ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट, माइनस 3 का स्क्वायर देन प्लस, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 का स्क्वायर ना, दैट इज आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 6। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 3 एंड माइनस 6, ठीक है, येस आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ठीक है, स्क्वायर आपका होता है 9, यहाँ आपको जाएगा माइनस 3, ये आपको जाएगा माइनस 6। 9 में से 3 के आपका आ जाएगा प्लस 6 और ये आपका दिखा है माइनस 6, दोनों को कट कर देंगे अगेन अपोजिट साइन है तो 0 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या पता चला कि हैंस वी कैन से हैंस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एक्स इक्वल टू 2, दोनों पे क्या हो रही है, जो आपका यहाँ पे q ऑफ x आपका जो है q ऑफ x becomes what, 0, ये 0 बन जा रहा है। देयरफोर वी कैन से
कि आपका -3 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ, ये क्या हो जाएंगे फिर आपके जीरोज हो जाएंगे, जीरोज ऑफ दी क्यू एक्स. ओके एंड हेंस वी कैन से दैट हेंस वेरीफाइड. ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे वेरीफाइड करके प्रूफ दिखाना था कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, तुमने यहाँ पे प्रूफ देख लिया. एग्जैक्टली ठीक है. अब आइए थर्ड पार्ट समझते हैं. थर्ड पार्ट में आपको गिवन है आर ऑफ एक्स. ठीक है, आर ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स. तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है और आपको जीरो और थ्री के लिए दिखाना है. ठीक है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और आपको दिखाना था यहाँ पे जीरो और थ्री के लिए. यस ठीक है, ये आपका यहाँ पे थर्ड पार्ट है. तो देखिए जीरो और थ्री के लिए दिखाना है. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. जब हम देखिए जीरो रखेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, आर जीरो इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन जीरो. तो ये तो आपको वैसे ही दिख रहा है कि देखिए ये जीरो दे देगा, यहाँ भी जीरो, तो आपको मिल क्या गया, आपको जीरो मिल गया. ठीक, लेकिन जो सेकेंड केस है उसमें आपको क्या रखना था, थ्री. वी विल राइट एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, क्या मिल जाएगा, देखिए अगेन हम रखेंगे आर ऑफ थ्री इज इक्वल टू वॉट, एक्स की जगह रख देंगे, हमें मिलेगा थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन थ्री. ठीक, अब देखिए आपको थ्री का स्क्वायर नाइन मिलेगा, यहाँ भी आपको नाइन मिलेगा, प्लस माइनस नाइन क्या हो गया, कट गया, आपको मिल गया क्या, जीरो. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दोनों रखने पे हमें जीरो मिल रहा है ना, हेंस वी कैन से दैट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री क्या बन जा रहा है आपका यहाँ पे, आर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड डायरेक्टली कि सो एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री आर द, यू कैन जस्ट राइट रूट्स और जीरोज एनीथिंग. ठीक है, जीरोज ऑफ द आर एक्स, जो आपका पॉलीनोमियल गिवन है आर एक्स. ओके हेंस वेरीफाइड. ठीक है, ये आपका यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है. इसका मतलब यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आपका यहाँ पे रूट्स हो जाएगा. सो वी कैन जस्ट यूज द वर्ड, देखिए जीरोज के लिए हम यहाँ पे वर्ड्स यूज कर सकते हैं आइदर रूट्स और सॉल्यूशंस. ठीक है, हम दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन हो तो, क्योंकि सबका सेंस यही होता है कि अगर आपने उस वैल्यू को उस पॉलीनोमियल में रखा तो वो पॉलीनोमियल जीरो बन जाना चाहिए. ठीक है, मतलब वो फिनिश करके आपको जीरो वैल्यू दे देगा. ओके सो दिस विल बी कॉल्ड एज जीरो. तो होप्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. ओके ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड यस लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें. और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताया है इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक इजिली मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ के थ्रू आप अपने सोल्यूशन को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, एंड येस आप मुझे टेलीग्राम फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम पे मैं रेगुलर आपको वीडियोज के अपडेट देती रहती हूँ जो भी यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलते हैं. ओके तो हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस को आगे देखेंगे और साथ साथ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारे आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशन देख सकते हैं. ओके और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपना वहां पे व्यू जरूर दें. ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस.